हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स में साइंस में चैप्टर नंबर टू, शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। नेम फाइव ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, लकड़ी से बने हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं। आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में आप देखिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कुछ के हम नाम लिखेंगे, जैसे चेयर, प्लास्टिक की भी हो सकती है, वुड की भी हो सकती है, टेबल, और देखिए क्या हो सकता है, स्टूल, और देखिए वुड का मटेरियल क्या हो सकता है, पेंसिल, और देखिए डोर्स, दरवाजे, ये सब, विंडोज, कबर्ड, ये सब क्या होते हैं, वुड मटेरियल के बने हुए होते हैं। आगे नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स विच शाइन, चमक, शाइन का मतलब जिनमें चमक होती है, फ्रॉम द फॉलोइंग, कुछ नाम दिए हैं, उनमें से आपको चमकीली चीजें ढूंढनी है जिनमें चमक होती है। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट क्या है इसमें, ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील का चम्मच और कॉटन की शर्ट। आपको किसके आर पार कौन ज़्यादा शाइनिंग करेगा या कौन शाइन कर सकता है, ग्लास बाउल, ये ग्लास शाइन करता है, स्टील स्पून चमक होती, ये क्या है, दोनों शाइनी मटेरियल। एंड नेक्स्ट टू क्या है इसमें, कौन रह गया, प्लास्टिक एंड कॉटन शर्ट, प्लास्टिक का टॉय है एंड कॉटन की शर्ट है, ये SHIRT शर्ट, ये क्या करते हैं, नॉट शाइन, इनमें कोई चमक, शाइनी मटेरियल। Now, next question. Match the four objects given below with the materials from which they could be made. एक साइड ऑब्जेक्ट दिए, एक साइड मटेरियल्स दिए, आपको क्या बताना, ये ऑब्जेक्ट किन किन मटेरियल से मिलकर के बने होते हैं। Remember, an object could be made from more than one material. कि कोई भी ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है एक ही मटेरियल से मिलके बनाओ, एक से ज्यादा मटेरियल से मिलके भी बना हो सकता है। And a given material could be used for making many objects. और जो material दिया हुआ है उनसे एक से ज्यादा objects भी बन सकते हैं। जैसे objects में इन्होंने क्या दिया, book, tumbler, chair, toy, shoes. और material में आपको क्या दिया है, glass, wood, paper, leather, plastic. आपको क्या बताना है यहाँ पर कि कौन सा इसमें material काम आ रहा है। बुक बनाने, बुक किससे बनी होगी, पेपर से, बुक के लिए कौन सा मटेरियल होगा, पेपर, और पेपर किससे बनता है, देखिए है ना पेपर, इसमें पेपर किससे बनेगा, वुड, पल्प जो आता है उससे। टम्बलर, टम्बलर किससे बना हो सकता है, ग्लास, और क्या हो सकता है टम्बलर, क्या वुड का बना हो सकता है या पेपर का, लेदर का, प्लास्टिक का, प्लास्टिक का बना हो सकता है ना, टम्बलर वुड का भी बना हो सकता है। नाउ चेयर, चेयर किसकी बनी हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है या फिर प्लास्टिक की, हमें मटेरियल वही लिखना है जो इस क्वेश्चन में दिए हुए। टॉयज, ग्लास का भी हो सकता है, वुड का भी, पेपर का भी, लेदर का भी, प्लास्टिक का भी, सब मटेरियल्स के मिलकर के बन सकते हैं। तो ग्लास का टॉय, ग्लास भी हो सकता है इसमें, वुड भी हो सकता है, पेपर का भी टॉय हो सकता है, लेदर का भी टॉय हो सकता है और प्लास्टिक। नाउ शूज, शूज ग्लास के नहीं होंगे, वुड का नहीं होगा, पेपर का नहीं होगा, लेदर का होगा या फिर प्लास्टिक, छोटे बच्चों के जो आते हैं वो प्लास्टिक के भी होते। Now,
नेक्स्ट स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू एंड फॉल्स. आपको क्या बताना है, ये जो दिए हुए स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फिर फॉल्स. देखिए क्या कह रहा है ये. फर्स्ट, स्टोन पत्थर ट्रांसपेरेंट होता है और ग्लास ओपेक होता है. ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आस पार आर पार हमें दिखाई देता है. क्या स्टोन के आर पार हमें दिखाई देता है? नो. क्या ग्लास के आर पार हमें दिखाई नहीं देता? ओपेक मतलब दिखाई नहीं देता, ये भी बात गलत है. ग्लास के तो हम आर पार दिखाई देता है, स्टोन के आर पार दिखाई नहीं देता. यानी स्टोन ओपेक है और ग्लास क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट. इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स. ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. अ नोटबुक हैज अ लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट. क्या नोटबुक में चमक होती है क्या? नहीं. चमक किसकी है? लस्टर किसकी प्रॉपर्टी होती है? मेटल्स की. नोटबुक की प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए अगेन फॉल्स. चॉक डिसॉल्व इन वॉटर. चौक पानी में घुल जाता है क्या? बिल्कुल नहीं. ये चौक किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट चूने का बना होता है और चूना पानी में नहीं घुलता. तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट. अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर. यस. क्या लकड़ी का पीस पानी की सतह पर तैरता है? आंसर आएगा यस. तो आपके पास ट्रू. शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. क्या चीनी पानी में घुलती है? आपका आएगा आंसर. लेकिन ये तो क्या कह रहा है? नॉट डिसॉल्व. मींस अगेन फॉल्स. ऑयल मिक्स विद वाटर. ऑयल और पानी मिक्स हो जाते हैं क्या? पानी के अंदर आप ऑयल मिलाएंगे तो वो मिक्स हो जाएगा? नो. या ऑयल में पानी मिलाइए या पानी में ऑयल मिलाइए, दोनों ही कंडीशन में ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं. लेकिन यहां पर क्या दिया है? ऑयल मिक्स विद वाटर. तो अगेन ये कैसी कंडीशन हो गई? सैंड सेटल डाउन इन द वाटर. पानी से भरा हुआ टम्बलर ग्लास लीजिए, उसमें रेत डाल दीजिए, सैंड डाल दीजिए और जब स्पून से उसे शेक कीजिए, हिलाइए, तो क्या सैंड मिक्स हो जाएगी या सेटल डाउन हो जाएगी आफ्टर सम टाइम? तो आपका आंसर आएगा यस, आफ्टर सम टाइम सेटल डाउन हो जाएगी. तो इट मीन्स सैंड सेटल डाउन इन द वाटर. It is true statement. Vinegar dissolve in water. Vinegar बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको सिरका, है ना, जो खटाई डालने के काम में लिया जाता है. Yes, vinegar जो होता है वो पानी में dissolve हो जाता है. It is true statement. Now, next question. Given below are the names of some objects and material. यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और मटेरियल भी दिए हैं. आपको इनको कौन कौन से हैं देखिए. वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लो, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर. इसका मतलब है मिट्टी का घड़ा. इनको आपको ग्रुप डैम करना है, राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्ड. दूसरा क्या करना है? ईटेबल एंड नॉन ईटेबल. यानी इन ही चीजों को आपको अलग अलग शॉर्टिंग करनी है इनकी. कैसे? फर्स्ट टाइम करनी है आपको राउंड शेप में और अदर शेप में. सेकेंड टाइम में आपको करनी है ईटेबल एंड नॉन ईटेबल. तो आपका आंसर फर्स्ट आंसर देखिए ए. सबसे पहले हम बताएंगे राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स. राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? क्या पानी राउंड शेप्ड होता है? नो. और नीचे लिख देते हैं नॉट राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स. तो इसमें कौन आ गया? फर्स्ट वाटर. ये तो क्या हो गया? पानी जिसकी तो कोई शेप ही नहीं होती, जिस जिस कंटेनर में डालेंगे उसके जैसा शेप ले लेता है ये. अगर आप बोतल में डालोगे तो बोतल जैसा, ग्लास में डालोगे तो ग्लास जैसा, लोटे में डालोगे तो लोटे जैसा, मग में डालोगे तो मग जैसा शेप ले लेता है. इसलिए ये राउंड शेप नहीं है. नाउ बास्केटबॉल. यस. बास्केटबॉल क्या हो जाएगी? राउंड शेप. ऑरेंज अगेन राउंड शेप. शुगर नॉट राउंड. एंड ग्लोब राउंड शेप्ड.
एप्पल ऑलमोस्ट राउंड अर्धन पिचर अर्थन मिट्टी का घड़ा, ये भी राउंड शेप। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ आंसर नंबर सेकेंड, आंसर आपके पास सेकेंड। इसमें आपको क्या बताना है, ईटेबल और नॉन, यही ऑब्जेक्ट्स हैं। इनको आपको ग्रुप में कैसे डिवाइड करना है कि कौन सी चीजें हम खा सकते हैं, पी सकते हैं और कौन सी हम खा पी नहीं सकते। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ईटेबल ऑब्जेक्ट्स, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नॉन ईटेबल ऑब्जेक्ट्स। देखिए ईटेबल ऑब्जेक्ट्स में क्या आएगा, यहाँ पे देखते हैं हम। वाटर, यस हम पी सकते हैं, इसे पीने के काम में ले सकते हैं। बास्केटबॉल, क्या हम खा सकते हैं, नहीं। क्या हम पी सकते हैं, नहीं। तो ना हम खा पी नहीं सकते, तो किस में आएगा, नॉन ईटेबल में। नाउ ऑरेंज, यस खा सकते हैं, हमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, शुगर मीठा मीठा बहुत अच्छा टेस्ट। क्लोव, नो 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 नहीं खा सकते, है ना। एप्पल, यस बहुत मजेदार चीज। और खड़ा, ना भाई इसे तो मिट्टी से बनाते हैं, इसे तो हम नहीं खा सकते। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। नेक्स्ट, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। नाउ लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वॉटर, चेक एस एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। आपके कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट बताने हैं जो पानी की सतह पर तैरते हैं, और चेक करना है क्या वो ऑयल की सतह पर तैरते हैं या फिर नहीं तैरते। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, आइटम्स दैट फ्लोट, फ्लोट का मतलब तैरना, ऑन वाटर सरफेस। लिस्ट है तो जितने हम जानते हैं फाइव लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखिए फर्स्ट, क्या वुड तैरती है, यस वुड पानी की सतह पर तैरती है, जितनी भी नाव बनती है उनकी सतह वुड की ही होती है। और देखिए क्या पेपर पानी में तैरता है, यस पानी पर तैरता है। कैसे पता चलता है, जैसे अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में क्या होता है, कई जगह पानी भर गया, तो छोटे बच्चे पेपर की बोट बना के उसको पानी में तैराते हैं। आपने भी कभी किया होगा, है ना, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए प्लास्टिक, प्लास्टिक का कोई खिलौना पानी के ऊपर तैर सकता है। और क्या होता है, देखो थर्मोकोल, है ना, ये भी पानी के ऊपर तैर सकता है। और देखिए क्या होता है, रबर ट्यूब, स्विमिंग पूल, आप में से कितने बच्चे हैं जो स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने गए हैं, वहां क्या देते हैं, सबसे पहले रबर ट्यूब ही देते हैं, जो कि क्या करता है, फ्लोट करता है पानी के ऊपर। इसको पहना देते हैं रिंग ट्यूब को, और उससे कहते हैं कि आप जाइए फ्लोट कीजिए, है ना, स्विमिंग कीजिए, फ्लोट नहीं स्विमिंग कीजिए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है, ये ऑयल या केरोसिन पर फ्लोट करेगी या नहीं, देखिए इनमें से थर्मोकोल और प्लास्टिक ये फ्लोट कर सकते हैं, लेकिन सारी आइटम्स जो होते हैं ये फ्लोट नहीं करेंगे। लिखेंगे इसी चीज को, क्या लिखेंगे, सम आइटम्स। दो क्वेश्चन पूछे है ना, आधा तो हो गया, एट फ्लोट ऑन वाटर ये तो कर लिया हमने, आगे का देखना है, दे विल फ्लोट ऑन ऑयल, आपको क्या लिखना है, सम आइटम्स लाइक प्लास्टिक।
प्लास्टिक की जो पन्नी होती है वो तेल के ऊपर तैरती है, डूबती नहीं है। थर्मोकोल, फ्लोट ऑन ऑयल, ऑयल के ऊपर तैरते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इनमें से छांटना है जो अलग है, ऑड वन है, डिफरेंट है। देखिए क्या क्या दिया है, फर्स्ट चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। चेयर किसका बना होता है, वुड का। बेड किसका बना है, वुड का। टेबल किसका बना है, वुड का। कबर्ड किसका बना है, वुड का। लेकिन बेबी वो तो इंसान है, तो ऑड वन कौन हो गया। आंसर क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ऑड वन। फर्स्ट ए लिखा है तो हम ए लिखेंगे, इसमें आंसर क्या आएगा, बेबी। आंसर रीजन भी लिखना होगा, अदर आर मेड अप ऑफ, अदर आर मेड अप ऑफ फूड। बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, बताइए इनमें से ऑड वन आउट कौन है। देखिए कौन सा है, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड एंड लोटस, तो इनमें आपको क्या चीज डिफरेंट लग रही है। रोज एक फ्लावर है, जैस्मिन फ्लावर है, मैरीगोल्ड फ्लावर है, लोटस फ्लावर है, क्या बोट फ्लावर है? नो, तो आंसर क्या आ जाएगा, बोट। ऑड वन आउट में क्या आएगा, बोट। ठीक है, व्हाइल अदर आर, अदर ऑब्जेक्ट्स आर फ्लावर। ओके नेक्स्ट देखिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन। इनमें देखिए ऑड क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। देखिए एल्यूमिनियम, इसमें एक क्लस्टर होता है, आयरन इसमें भी एक क्लस्टर होता है, मेटल है, कॉपर मेटल है, सिल्वर मेटल है, क्या सैंड मेटल है? नो, सैंड मेटल नहीं है, इज नॉन मेटल। तो सी के लिए क्या ऑप्शन आ जाएगा, सैंड। अदर क्या है, अदर आइटम्स आर मेटल। ओके नाउ शुगर, अगला फोर्थ दे लास्ट देखने हम, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। शुगर वाटर में सॉल्युबल है, सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल है, कॉपर सल्फेट वाटर सॉल्युबल है, क्या सैंड वाटर सॉल्युबल है? आंसर इज नो, सैंड इज नॉट सॉल्युबल या इनसॉल्युबल। आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, डी क्या आंसर आएगा, सेंड। अदर आर अदर मटेरियल्स आर वाटर सॉल्युबल, पानी में घुल जाते हैं, जबकि सेंड पानी में नहीं घुलती है। बहुत आसान से क्वेश्चन, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन थे सब किसके थे, एनसीईआरटी के, आपकी बुक के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो थे। और अब जो हम करेंगे वो कौन से क्वेश्चन है, बुक के बीच वाले, बीच में जब हम लेसन पढ़ते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो, क्योंकि आपके सीबीएसई में ऐसा पैटर्न है, एनसीईआरटी में ऐसा पैटर्न है कि आपको बीच से भी कई क्वेश्चन दिए जाते हैं हाफ ईयरली या एनुअल के एग्जाम में। देखिए, व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स इनटू ग्रुप मटेरियल, गिव वन रीजन। वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स
for study of air properties. आप कहीं शॉप पे जाइए तो देखिए, दाल वाली जगह पर दाल रखी होती है, चावल वाली जगह पर ग्रोसरी की, अगर आप शॉप पे जाते हो तो वहां पर जो सारे आइटम्स होते हैं एक जैसे आइटम एक साथ रखे हुए होते हैं। स्टेशनरी की दुकान पे जाइए, आपको एक तरीके की नोटबुक एक साइड मिलेगी, आप कहते हो ग्राफ कॉपी चाहिए तो वो बंडल अलग मिलता है, आप चाहते हो कि पेंसिल दीजिए तो आपको पेंसिल का पैकेट देता है, आपको लीड पेंसिल लेनी होती है तो लीड पेंसिल का पैकेट देता है। तो ये सब क्या होते हैं, ग्रुप कर रखे हैं मटीरियल्स का, ताकि आपको दिखाने में कन्वीनियंस हो, सुविधा हो। सजेस्ट टू बेसिस ऑन विच वी कैन ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, ऐसे दो प्रॉपर्टीज बतानी है, ऐसे दो बेसिस बताने हैं जिस पर कि हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसा होगा, फर्स्ट देखिए सॉल्युबिलिटी के बेस पे, है ना, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। कैसे डिवाइड करते हैं हम कि पानी में डिसॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरा क्या लिखते हैं हम, हार्डनेस, हार्ड है मटेरियल या, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ईटेबल है, नॉन ईटेबल है, ट्रांसपेरेंट है, नहीं है, फिजिकल स्टेट कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो कोई भी यहाँ पे दो पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, कोई भी दो पॉइंट आप लिख सकते हैं। इज ए सबस्टांस विच कैन कंप्रेस्ड, ऐसे सबस्टांस जिसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, सॉफ्ट होते हैं या हार्ड होते हैं। अब देखिए केक, आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, बॉल, सॉफ्ट बॉल बोलते हैं ना, कंप्रेस कर सकते हैं। सॉफ्ट बॉल क्या होती है, कंप्रेस। क्या हार्ड बॉल को कंप्रेस कर सकते हो, नहीं। तो कंप्रेस किसको कर सकते हैं हम, सॉफ्ट को। आपसे यही पूछा कौन सा होगा वो मटेरियल, हार्ड होगा या सॉफ्ट, तो आपका आंसर क्या आएगा, सॉफ्ट। इज ऑयल सॉल्युबल इन वाटर, क्या पानी में ऑयल मिक्स हो जाता है, आंसर आएगा नो। Name two objects which can made from opaque material. Opaque मतलब ऐसा material जिसके आर पार दिखाई नहीं देता। ऐसे दो objects बता रहे हैं जिसके आर पार हमें दिखाई नहीं देता, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताइए। देखो क्या टेबल के आर पार आपको दिखाई देता है, नो। वुड की बनी हुई होती है ना, और बुक, क्या बुक के आपको आर पार दिखाई देता है, आंसर आएगा नो, ओपेक मटेरियल है। अब हम पढ़ने वाले हैं इनके लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट वाटर इज ट्रांसपेरेंट। आपको ये प्रूव करना एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है, जिसके आर पार हमको दिखाई देता है। आपको ये प्रूव करना है कि वाटर के अंदर कोई चीज अगर आपने डाल दी तो वो आपको दिखाई देगी तो ट्रांसपेरेंट, अगर दिखाई नहीं देगी तो वो ओपेक होगा, और धुंधली दिखाई देती है तो वो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल होगा। तो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट है। कैसे प्रूव करेंगे, हम एक बीकर ले लेंगे, उसको हाफ वाटर से फिल कर देंगे, दिस इज वाटर, और इसमें एक आप पॉइंट डाल देंगे, और उस वाटर को या इस बीकर को ऐसी जगह रख देंगे जहां से लाइट आ रही हो, अनडिस्टर्ब रख देते हैं। फिर आप इसमें देखेंगे तो क्या आपको कॉइन दिखाई देगा, यस, आपको कॉइन दिखाई दे रहा है, इट मीन्स वाटर क्या हो गया है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ये चीज यहाँ लिखी हुई है, टेक ए बीकर हाफ फिल्ड विद क्लीन वाटर, पुट अ कॉइन इन अ बीकर ऑफ वाटर, प्लेस द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू मिनट्स वेयर इनफ लाइट इज प्रेजेंट। लाइट आनी चाहिए, ऐसी जगह पर हम रख देते हैं। नाउ ऑब्जर्व दैट कॉइन इमर्स इन वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीकर। अब आपको ऊपर से कॉइन देखना है, वी सी, वी कैन सी क्लियरली Coin immersed in water. With this proof, water is transparent liquid. Now, another question, second question. Write an experiment to show that our palm is translucent. आपको ये प्रूफ करना है कि आपकी पाम, आपके हथेली translucent है। क्या होता है translucent? अभी जस्ट हमें बताया ही था कि जिसके आर पर हमें धुंधला दिखाई देता है। क्या करना है आपको, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है ये क्या है, टॉर्च।
और यहाँ पर आपकी हथेली। ये एक्सपेरिमेंट आपने कई बार, ये आपने खुद ने किया होगा, जैसे अंधेरा है, लाइट चली गई, तो आपने क्या किया, टॉर्च जलाया या कैमरे की लाइट जलाई, और उसके पीछे अगर आपका हाथ होता है तो आपको पिंकिश या रेडिश सा दिखाई देता है, इट मीन्स ये ट्रांसल्यूसेंट है। ऐसा ही कुछ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, टॉर्च है, ऑन टॉर्च है, आपकी हथेली आपको इस तरीके से दिखाई देती है। क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा कि इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, पर रेड कलर अपीयर हो रहा है जो कि ब्लड का कलर है, इट मीन्स आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इट इज ट्रांसल्यूसेंट। यही चीज यहाँ लिखी हुई है, कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस, स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द पाम। हाथ अगर आपने ऐसे रखा है तो ये टॉर्च यहाँ जल रही है, तो आपको ऊपर से इसको देखना है। वी सी दैट द लाइट ऑफ टॉर्च पासेस थ्रू योर पाम, जो लाइट होगी वो आपकी हथेली से पास होगी बट नॉट क्लियरली, आपको साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देगा। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट आवर पाम बिकम्स ट्रांसल्यूसेंट व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास थ्रू इट। आपको नॉर्मली जो लाइट आ रही है उसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देगा कि ये ट्रांसल्यूसेंट है या नहीं, ओपेक की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट जाएगी तब आपको वो पिंक या रेड कलर दिखाई देता है। इससे प्रूव होता है कि आपकी पाम जो है वो एक ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल है। हमने अब क्वेश्चन आंसर्स देखे इस चैप्टर के, अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।